व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं MIUI 12.5 के इनेस एडिशन के अपडेट ट्रैकर के बारे में। कौन कौन से ऐसे पोको के एंड शाओमी के डिवाइस हैं जिनके अंदर आपको MIUI 12.5 का इनेस एडिशन अपडेट है वो यहां पर देखने को मिल चुका है, और जिन डिवाइस के अंदर आपको अपडेट है वो अभी तक यहां पर देखने को नहीं मिला है उनके अंदर आपको अपडेट है वो यहां पर कौन सी डेट तक देखने को मिल सकता है। इसके बारे में भी मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। मैं आपको कंफर्म डेट है वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बता दूंगा कि आपको अपडेट है वो कब तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। और गाइज, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक भी यहाँ पर लाइक नहीं किया है सो इसको यहाँ पर लाइक कर देना। साथ में आप लोगों ने चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आपकी डिवाइस के लिए जैसे यहाँ पर अपडेट रिलीज होगा उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करूं कौन कौन से ऐसे डिवाइस जिनके अंदर आपको ऑलरेडी अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो, राउंड वन के अंदर आपको जितने भी यहाँ पर जो डिवाइस देखने को मिलते हैं सभी के अंदर अपडेट है जो कि यहाँ पर आ चुका है, और राउंड टू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इनके अंदर लगभग सभी जो डिवाइस है इनके अंदर अपडेट है वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन राउंड थ्री है उनके अंदर काफी सारे ऐसे डिवाइस है उनके अंदर अपडेट है वो अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले गाइज, आप लोग यहाँ पर जैसा कि देखते हो, MI के जो डिवाइस है उनके अंदर आपको अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है। MI 11T Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE, MI 11 Ultra, MI 11, MI 11 Lite 5G, MI 11X, MI 11X Pro, MI 11i, MI 10T, MI 10T Pro, MI 10i, MI 10T Lite, MI 10, MI 10 Pro और MI 10 Lite। इन सभी डिवाइस के अंदर आपको MIUI 12.5 का इनेस एडिशन अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है। अब गाइज, मैं आप लोगों से बात करूँ नोट सीरीज के बारे में, इनके अंदर कौन कौन से डिवाइस है उनके अंदर अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है। Xiaomi Redmi Note 10 5G जो डिवाइस है इसके अंदर अपडेट आ चुका है। Redmi Note 10 Pro और Pro Max जो डिवाइस है इनके अंदर अपडेट नहीं आया है 12.5 का इनेस एडिशन, लेकिन जो बाकी कंट्री है वहां पर अपडेट है वो आ चुका है। Redmi Note 10 जो डिवाइस है इसके अंदर इंडिया में अपडेट है जो यहाँ पर आ चुका है, और Redmi Note 9S जो डिवाइस है इसके अंदर ग्लोबल में अपडेट आ चुका है क्योंकि ये जो डिवाइस है वो ग्लोबल में यहाँ पर एग्जिट करता है। अब Redmi Note 9 Pro जो डिवाइस है इसके लिए इंडिया में 12.5 का इनेस एडिशन अपडेट है जो कि यहाँ पर रिलीज करा दिया गया Xiaomi की तरफ से। और Redmi Note 9 जो डिवाइस है ये तो सबसे पहला डिवाइस था Redmi Note 9 सीरीज का जिसके अंदर 12.5 का इनेस एडिशन अपडेट है जो कि इंडिया में यहाँ पर रिलीज किया गया था। और Redmi Note 8 2021 इसके अंदर भी 12.5 का इनेस एडिशन अपडेट है जो कि यहाँ पर आ चुका है। अब मैं आप लोगों से बात करूं Redmi सीरीज के बारे में, आप लोग यहाँ पर जैसा कि देखते हो Redmi 9 और Redmi 9T जो डिवाइस है इसके अंदर अपडेट आ चुका है। अब इसी के साथ साथ में एक न्यूज है जो कि यहाँ पर कवर कर देता हूँ जो कि पोको M2 और Redmi 9 Prime। गाइज, इनके रिगार्डिंग मेरे पास डेली वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि अपडेट है वो यहाँ पर कौन सी डेट को यहाँ पर रिलीज होगा। तो गाइज, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 90 डेज का जो अपडेट पॉलिसी है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब आप लोगों को अपडेट है वो कभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आज 27 नवंबर हो चुकी है, आने वाले 6 या 7 दिन से पहले पहले आपको अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू पोको एंड Xiaomi अपडेट पॉलिसी। और अपडेट देना या ना देना सारा यहाँ पर Xiaomi पे डिपेंड करता है। अब गाइज, मैं आप लोगों से बात करूं रिसेंटली ऐसे कौन कौन से डिवाइस है जिनके अंदर अपडेट है जो कि यहाँ पर आ चुके हैं। कल रात को पोको X3 जो डिवाइस है इसके लिए 12.5 का इनेस एडिशन अपडेट है जो कि एक बार फिर से यहाँ पर रिलीज किया गया था पोको की तरफ से। एक बार पहले भी अपडेट है जो कि यहाँ पर रिलीज हो चुका है पोको X3 डिवाइस के लिए, जिसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर वीडियो बना रखी है कि आपको कौन कौन से यहाँ पर चेंजेस हैं या फिर फीचर है, मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है। आप लोग ये वाली वीडियो है वो जरूर से देख लेना, इसका जो लिंक है वो आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा या फिर आई बटन पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करूँ Redmi Note 8 डिवाइस के लिए, इसके लिए फाइनली इंडिया में Android 11 का अपडेट है जो कि यहाँ पर रिलीज करा दिया गया, और एक बार फिर से यहाँ पर अपडेट है जो कि यहाँ पर आ चुका है। और जैसे अपडेट यहाँ पर रिलीज होता है मैं आप लोगों के साथ में न्यूज है जो कि यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि Redmi Note 8 इंडियन स्टेबल अपडेट है जो कि यहाँ पर रिलीज करा दिया गया। आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल है इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को इंस्टेंट न्यूज है वो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलती रहती है, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और पोको X3 जो डिवाइस है इसके आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मेरा OTA लिंक है जो कि आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग यहाँ पर मैन्युअली इसको यहाँ पर अपडेट कर सकते हो।
अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं एक बहुत ही पॉपुलर डिवाइस के बारे में जो कि है पोको M2 Pro। अब पोको M2 Pro जो डिवाइस है इसके लिए अभी 6-7 दिन के अंदर MIUI 12.5 का इनेस एडिशन अपडेट है जो कि एक बार भी यहां पर रिलीज नहीं किया गया है Xiaomi की तरफ से या फिर पोको की तरफ से। सो आपको यहां पर वेट कर लेना है। आज 27 नंबर हो चुकी है, दिसंबर के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक से पहले पहले आप लोगों को अपडेट है जो कि यहां पर देखने को मिल जाएगा। और जिन यूजर को अभी तक भी एंड्रॉइड 11 का अपडेट पोको M2 Pro डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिला है सो थोड़ा सा वेट कर लेना। 2 GB के ऊपर की साइज आएगी लेकिन आपको एक साथ में एंड्रॉइड 11 प्लस 12.5 का इनेस एडिशन अपडेट है आपके पोको M2 Pro डिवाइस के अंदर यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब गाइज मैं आप लोगों से बात करूं पोको M3 डिवाइस के बारे में। सो पोको M3 जो डिवाइस है इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि आप लोगों को यहाँ पर अपडेट है वो यहाँ पर कौन सी डेट को मिल सकता है। सो आप लोग मेरी पोको M3 की वीडियो है वो यहाँ पर देख सकते हो, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जनवरी का जो मंथ है, जनवरी के मंथ के अंदर आपको यहाँ पर अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है पोको M3 डिवाइस के अंदर एंड्रॉइड 11 और 12.5 इनेस्ट। अब गाइज मैं आप लोगों से बात करूं रेडमी 9 डिवाइस के बारे में। सो आप लोगों को डिटेल में जानना है कि अपडेट क्यों यहाँ पर डिले हुआ है और कौन सी डेट को यहाँ पर मिलेगा। सो आप लोग मेरी Redmi 9 Power की यहाँ पर वीडियो देख सकते हो चैनल पेज पे जाके। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ कि इसके लिए भी आपको अपडेट है जो कि यहाँ पर जनवरी का मंथ है उसके अंदर कभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो आप लोग यहाँ पर एक्टिव रह सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में। अब गाइज मैं आप लोगों से बात करूं Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के लिए। सो गाइज इसके लिए भी अपडेट है जो कि काफी दिन हो चुके हैं अपडेट यहाँ पर रिलीज नहीं हो रहा है। सो इसके रिगार्डिंग तो कोई न्यूज है जो कि यहाँ पर नहीं आ रही है कि कौन सी डेट को आप लोगों को अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को अपडेट है जो कि दिसंबर का मंथ है, दिसंबर के एंडिंग से पहले पहले यहाँ पर कभी भी देखने को मिल सकता है। सो आप लोग यहाँ पर एक्टिव रह सकते हो हमारी यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल के साथ में। इसी के साथ साथ गाइज मैंने आप लोगों को पोको M2 और Redmi 9 Prime जो यूजर है उनके लिए बता दिया कि अपडेट है वो आपको यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा। सो आप लोग यहाँ पर दिसंबर का जो मंथ है उसके यहाँ पर वेट कर सकते हो, दिसंबर का जो आई थिंक फर्स्ट वीक है उससे पहले पहले आपको अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्योंकि 90 डेज की अपडेट पॉलिसी है जो कि यहाँ पर पूरी हो चुकी है। फर्स्ट जो आपको अपडेट मिला था उसके लिए आप लोगों को अभी तक 90 डेज है जो कि यहाँ पर हो चुके हैं। सो आपको अपडेट है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा Redmi 9 Prime और पोको M2 डिवाइस के अंदर। अब गाइज मैं आप लोगों से बात करूं Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए, इनके लिए अभी तक भी इंडिया में 12.5 का इनेस एडिशन अपडेट है जो कि यहां पर देखने को नहीं मिला है। सो आपको यहां पर वेट करना है दिसंबर एंडिंग का। जी हां दोस्तों, दिसंबर की जो एंडिंग होगी उससे पहले पहले Redmi Note 10 Pro और Pro Max जो डिवाइस है उनके अंदर आपको अपडेट है जो कि यहां पर देखने को मिल सकता है। सो आप लोग यहां पर वेट कर सकते हो। और गाइज अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक भी यहां पर लाइक नहीं किया है सो इसको आप लोगों को यहाँ पर लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम का चैनल है इसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया सो इसको ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।